गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 6 बज चुके हैं और आप देखते हैं सप्ताह में 3 दिन DLED की थर्ड सेमेस्टर गणित। इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, न कष्ट न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, न कष्ट न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ, अगर आप अभाव में जी रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में जी रहे हैं। अगर कोयले की लकड़ी से लिख करके अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, न्यूज़पेपर बेच करके बाबा साहब यानी कि आप जानते होंगे अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो आप थोड़े से अभाव में जी करके अपना टारगेट क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं? सब कुछ हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन हमारा जो भी होगा आपके सामने होगा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट। किसी भी चर अर्थात वेरिएबल्स अथवा अचर यानी कि कांस्टेंट का मान, मतलब कि घात अगर शून्य होती है तो उसका मान एक होता है। ये लाइन तो आप पढ़ लीजिएगा, मतलब समझो। जैसे 5 का घात अगर 0 है ना, 5 की घात अगर 0 है ना, तो इसका मान एक होगा, टोटल उत्तर एक आएगा। 201 का घात 0 है, मान एक आएगा। x की घात 0 है, एक आएगा। a की घात 0 है, एक आएगा। मतलब किसी भी जो है चर पद, या चर का मतलब a से z तक कोई भी लेटर है, अचर पद मतलब एक से लेकर अनंत तक कोई भी गिनती है, तो उसका जो घात है अगर शून्य होती है तो उसका मान एक होता है। साथियों, दूसरा पॉइंट है इसमें, जब घातांक अगर एक कम होता है तो जो मान होता है वो पूर्व मान का 1/10 हो जाता है। कैसे? देखना, घातांक अगर एक कम हुआ, जैसे 10 की घात अगर -1 है, इसका मतलब हुआ है 1/10। मतलब समझ गए, 1/10 का मतलब यही हुआ 10^-1। अगर 10 की घात -2 हुआ तो इसका मतलब हुआ 1/100, और 10 की घात -3 हुआ तो इसका मतलब हुआ 1/1000। मतलब समझना, ये घातें एक एक कम होती जा रही हैं, ज़्यादा नहीं हो रही हैं। देखो, माइनस में बढ़ रहा है, इसका मतलब कम हो रही है। जब -1 था तो 1/100 था, और जब -2 हुआ तो 1/100 हो गया, -3 हुआ तो 1/1000 हो गया। ज़रा ध्यान से देखो, ये सभी 1/10 बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं? 1/10 बढ़ रहे हैं। 1/10 में 10, 1/10 में अगर आप 1/10 से गुणा करोगे तो 1/100 आएगा, और 1/100 में अगर आप 1/10 से गुणा करोगे तो 1/1000 आएगा। मतलब वही हुआ कि जब घातांक एक कम होता है तो पूर्व मान का जो है 1/10 भाग हो जाता है। मतलब पूर्व मान का 1/10 भाग का मतलब 1/10 का 1/10 भाग कितना होगा? 1/100 होगा। अगला टॉपिक देखना इसमें, मतलब अगला ही जो पॉइंट है उसे ध्यान से देखना। यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन टॉपिक अगर आप समझोगे चीज़ों को गहराई से तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा ना आएगा। धनात्मक तथा ऋणात्मक घातांक, जैसे अगर किसी संख्या को उसी संख्या का उल्टा करके गुणा कर दिया जाए तो उसका मान एक आता है। जैसे 3 का गुणा हमने 3 का उल्टा यानी 1/3 से किया तो एक आया, और ये जो 1/3 आया ना, इधर ध्यान से देखना, इसमें से हमने क्या किया, ये 3 को इधर छोड़ दिया, बाकी 1/3 को उधर भेज दिया, तो इधर ये गुणा में था, उधर किस में हो गया? भाग में हो गया। मतलब समझ गए, तो भाग में होगा तो इसके नीचे जाके छिप जाएगा 1/3। इस तरह से 5 को भी कर लिया, आप कोई भी नंबर ऐसे ही कर सकते हो। अगर उस संख्या को उस संख्या का उल्टा करके गुणा करोगे तो मान एक आएगा, और अगर उसी नंबर को फिर से यहाँ लिखोगे, जैसे 5 था 5, तो ये नंबर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपका हो सकता है, a(1/a=1) होता है, ये फार्मूला है, या फिर a=1, और फिर उसके नीचे 1/a। ये भी दोनों क्या है, फार्मूले हैं, नोट कर लो, अभी काम लगेंगे आगे। देखिए साथियों, इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिन संख्याओं का गुणनफल 1 होता है, जिन संख्याओं का मल्टीपल 1 होता है, वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात इनवर्स अथवा व्युत्क्रम प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल कहलाती हैं। मतलब जैसे 3(1/3) का अगर मल्टीपल 1 आया तो ये दो संख्याएं तो क्या हैं, आपस में एक दूसरे की व्युत्क्रम है या फिर इनवर्स हैं। ठीक, जैसे अगर कहा जाए 3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इनवर्स, तो क्या होगा, 1/3 होगा। बात समझ रहे हो ना, तो इन दो सब में ये क्या होता है, संबंध होता है। आगे मतलब समझना, शाम 7:30 बजे से आपकी फेवरेट 0 लेवल मैथ PBR स्टडी के छोटे यूट्यूब चैनल PBR स्टडी इलाहाबाद पर हो रही है। अगर नहीं पता है तो देखते जाना, ठीक ना, भूलना मत, देखना, जिससे सीख जाओ गणित को। और हाँ, इसमें और भी कोई कर लो,
जैसे कि अगर कहा जाए 19, और 19 को 1/19 से गुणा करो तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? क्यों आएगा? क्योंकि 19 का जो व्युत्क्रम है वो 1/5 क्या है? 19 है, यानी कि उल्टा उसका 1/19 है। या अगर 19 का आप गुणात्मक प्रतिलोम बोलोगे तो 1/19 होगा। क्यों? क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ भिन्न पलट जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर हमने कहा -7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो वो माइनस में ही रहेगा, लेकिन 7/3 की जगह पर 3/7 हो जाएगा। ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। बात समझ गए ना, मल्टीपल इन्वर्स वाला। अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम बोलते तो क्या होता पता है? योगात्मक प्रतिलोम में से केवल चिन्ह बदल जाता, बस भिन्न नहीं पलटती। ये अंतर होता दोनों में। अगला देखना, इसमें अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि यदि किसी संख्या की घात माइनस में दी है, वीडियो को पीछे करके जल्दी से इसको लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके तुरंत बिना देर करे हुए वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना आप लोग सीख लीजिए। जैसे ही टॉपिक क्लियर हो हम सामने से हट जाते हैं, आपको लगे कि पूरा हो गया, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। यदि किसी शून्येतर संख्या के लिए, यदि किसी शून्येतर संख्या ए के लिए ए का पावर माइनस यम है, तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? अगर कोई संख्या माइनस में दी है घात, इसका मतलब है कि ये कभी इस रूप में रही होगी। ये फार्मूला है, नोट कर लो जल्दी से, छाप लो तुरंत। ये क्या है? फार्मूला है, काहे लिए है? जैसे अगर 5 की घात -3 कहीं लिखा है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 1/5 का पावर 3। बात समझ में आई? ये इसका रियल मान है। हाँ, अब आप इसको चाहो तो अपने रूप में जैसे भी चाहो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/125 भी कर सकते हो, लेकिन मतलब समझ लेना, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको। अगर कहीं इस तरह से माइनस में दी है, इसका मतलब वो 1 के नीचे दी है, ऊपर जाता तो माइनस होता है। अगर कहीं ऐसे दिया है 2 की घात 7, तो इसको आप 2 की घात -7 भी लिख सकते हो। देखिए जो बातें आपको बता रहा हूँ कहीं मिलेंगी नहीं, ध्यान से समझोगे तो मज़ा आएगा, ना समझोगे ना तो बहुत बुरा भी है ये। हाँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे चलें। ए के गुणात्मक प्रतिलोम 1/A को जो है वो ए का इन्वर्स भी लिखा या पढ़ा जाता है। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। देखो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। देखिए साथियों, आप जानते हो कि 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो उल्टा होगा ना, है ना? क्या होगा? उल्टा होगा। तो कर लो आप लोग बिना किसी टेंशन के, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें क्या होता है? भिन्न पलट जाते हैं, है ना साथी? पलट जाता है ना। तो इसको आप चाहो तो देखो रियल में ये क्या है, इस फॉर्म में है, इसके नीचे एक छिपा लो, इस फॉर्म में है ना, ये पलट जाएगा। तो इसका एक आंसर जो है हो जाएगा, ये सीधा सीधा अगर हम लिखे तो 5/4 हो जाएगा। इसका एक उत्तर क्या हो गया? 5/4 हो गया गुणात्मक प्रतिलोम में। लेकिन लेकिन अगर हम इसको ना पलटें, इसको ना पलटें, तो इसी चीज़ को गुणात्मक प्रतिलोम को चाहे तो हम ऐसे लिखें, और चाहे हम 4/5 का घात क्या लिखें? -1 लिखें। मतलब दोनों का एक ही हुआ, ध्यान से समझना। इसका मतलब हुआ 1/4/5, समझ गए? और ये 1/5 है, ये भिन्न के रूप में है, ये भिन्न के रूप में नहीं था। इसमें एक छिपा लीजिए आप, बीच में कहीं भी गुणा करोगे अंदर बाहर का, तो ये 5/4 फिर से आ जाएगा। और 5/4 यहाँ पर क्या आया था? ये देखो आया था। तो इसका मतलब यही हुआ, 5/4 ही आएगा जब इसको हल करोगे। तो बात बैठ रही दिमाग में ना, शुरू से देखोगे लास्ट तक सब बैठेगा, पूरा आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। हाँ, तो आगे हम आपको क्या बताने वाले हैं, इसी प्रकार से 3 × कोई भी नंबर का हम आपको एक सूत्र दे देते हैं। वैसे तो अभी शायद लिखा हुआ था, आपने लिखा होगा, है ना? ए की पावर माइनस यम वाला लिख लिया ना लगभग सभी लोगों ने, चलो ठीक है। ए का पावर माइनस यन परिभाषित नहीं है, क्या? ए की पावर माइनस यन डज नॉट इक्वल पॉसिबल, मतलब ये बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी संख्या का घात जो है, अगर आप क्या लगाओगे, यन लगाओगे, तो ये संभव इसलिए नहीं है। ओ सॉरी, देखिए साथियों, यहाँ पर ए नहीं है, ये 0 है, 0, शून्य। अगर आप 0 की पावर 1 n-1 करोगे, इसका मतलब हुआ 1/0 के पावर -1, 0
शून्य का कितनी भी घात में गुणा करोगे अनंत बार मिलियन बार हमेशा जीरो आएगा, और फाइनल में जब इसको हल करोगे तो अनंत आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसलिए वो संभव नहीं था जो हमने आपको दिया। देखो रात में बहुत टाइम हो रहा है, काफ़ी गरज वरज भी हो रही है, बारिश भी लग रहा होगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी से लिख लो नहीं तो बारिश भी होने लगेगी। चलिए अब हम आ गए मज़ेदार क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज पर। देखो जैसे क्वेश्चन हो तुरंत नोट कर लो, फट से छाप लो, बिना देर करे हुए छापने में भी तेज़ हो जाओ थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन देखो, बारिश शुरू हो गई है, बरसात के दिन आ चुके हैं, है ना। 3 का पावर -2 इंटू 3 का पावर 5, इसका मान बताना है, ध्यान से देखना और जल्दी से कमेंट करो क्या होगा, कोशिश करो क्या होगा। आखिर गंगा मैया करने क्या वाली है, प्रयागराज में लगभग सब कुछ डूब चुका है, हम लोग जहाँ पर हैं सेकंड फ्लोर पर, यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, बारिश फिर हो रही खूब तेज़ी के साथ, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो पानी है वो प्रयागराज में धूम मचा रहा है, यहाँ पर भी बारिश हो रही, भगवान जाने क्या होगा, गंगा जी सभी को अपने शरण में लेंगी या किसी को छोड़ेंगी भी। चलिए इसको हल करोगे क्या होगा, ऑप्शन दे दें आपको या फिर बिना ऑप्शन के ही आप लोग बता दो, जाने दो यार छोड़ो फालतू का है, ऑप्शन दें, ऑप्शन अगर देंगे तो आप लोग हल कर ले जाएंगे, वैसे बहुत अच्छे हैं आप सभी। देखो आप जानते हो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, ये हर हर बराबर है, नीचे का बेस बराबर है, तो 3 का घात -2 और ये प्लस हो जाएगा 5, और इस तरह से 3 का घात 3 हो जाएगा, ये क्या आ गया आंसर आ गया। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए हो या ना दिए हो, इसे आप फाइनल में हल करोगे तो 27 लिख सकते हो बस, और क्या, बात समझ में आई नहीं आई तो बताना। देखो 3 की घात -2 जो है हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, जाने दो ऐसे बिना किसी टेंशन के लिख दो। हाँ एक तरीका और हो सकता है इसको करने का, गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, हमने जोड़ लिया इनको, जो भी हुआ जोड़ घटा लिया, एक माइनस था एक प्लस था इसलिए घट गया। दूसरा तरीका देखना, 3 की घात -2 को आप लिख सकते हो 1/3 का पावर 2 और इंटू 3 का पावर 5, ध्यान से समझना, ये दूसरा मेथड है। कमेंट जरूर करना इन मेथड में से आपको कौन सा अच्छा लगा, जब आप इसको गुणा करोगे ये 35 नहीं है, 3 का पावर 5 है, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, देखो गुणा का चिन्ह लगा है ऊपर एक में, तो एक में गुणा होगा तो 3 का घात 5 आएगा, ये 3 की घात क्या आएगा 2 आएगा, बात समझ में आई ना। इसे आप अगर विस्तार से खोल दोगे, 5 बार लिख दोगे, ये देखो 5 बार लिख दिया, इसे कितनी बार लिख दिया, 2 बार, 2 बार जो है काट दो, कितना बार बचा, 3 बार बचा ना, ये 3 बार बचा, गुणा कर लो 27 आ गया। कमेंट जरूर करना फर्स्ट मेथड अच्छा लगा कि सेकंड मेथड, जरूर बताना, 27 आ गया दोनों तरीकों में, नोट कर लो जल्दी से, छाप लो बस, लूट लो जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन तुरंत फट से देखिए, जैसे सवाल पूरा हो जाए ना वीडियो को आप लोग तुरंत टच करके नोट करें, फट से नोट करें, लाइट गई और अब क्या होने वाला है, भगवान जाने क्या होने वाला है। ये रात का टाइम है जो हो रहा है सारा सिस्टम, दिन नहीं है अभी। 1/2 का पावर -2 लिखो, 1/2 का पावर -2 इंटू क्या है, 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा, क्या है 2 का स्क्वायर, इसका मान बताना है, बोलो क्या होगा, कोशिश करो जल्दी बोलो। देखिए साथियों इसको हल करना बहुत ही आसान है, इसकी घात -2 है ना, -2 का मतलब आप लोग जानते हो, हमने बताया था कि वही बटे में होगा ये, यानी इसका मतलब है 1/1/2 और ये 2 की घात क्या है 2, बस हो गया, गुणा कर लो इसका। देखो ये भिन्न रूप में है बट ये अकेला था बेचारा, तो इसके नीचे आप एक छिपा सकते हो बीच में, जानते हो कि नहीं, इसके नीचे एक छिपा सकते हो, इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, जगह देखिए 1/ ये देखो 1/2 है ना, तो इसके नीचे ये भिन्न के रूप में है, एक इसके नीचे नहीं छिपा सकते हो, इसके नीचे छिपाओगे, ये बात समझ में आई। अब 4 बन गए ना, ये 4 फ्रैक्शन हो गए, 4 हो गया ना, तो इसे आप कर सकते हो क्या, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, हमने आपको आसान तरीके से बताया करने के लिए, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 8, अभी ध्यान देना यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपका पलट जाएगा, उधर जाएगा, मल्टीपल कर लेंगे आप तो फाइनल में आ जाएगा, फाइनल में 16 आ जाएगा यानी कि 16। लेकिन एक बात देखना, यहाँ पे ऊपर घात लगी थी ना, तो आप घात को नहीं छोड़ोगे, याद रखना, जब इसको आप 1/2 लिखोगे ना यहाँ पर इस तरह से, तो इसकी घातें भी आपकी 1/2 की जो स्क्वायर था वो लगा रहेगा, फाइनल में आप इसे ऊपर ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, आपको दिक्कत हो जाएगी,
हो जाएगी ना दिक्कत, हो जाएगी ना। इसको छोटा में समझ लो यार, छोटा में समझ लो, ये वन अपान टू इसका होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने? चूंकि ये माइनस घात जो थी इसको नीचे हम ऐसे लिखेंगे तो ये प्लस हो गया। इतना समझ में आया ना आसान भाषा में? अब इसे आप एक बटा इसका मान जो होल स्क्वायर है 1/4 आएगा। इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब ये क्या हो गया, ये 2 का घात 2 जो है इसका मतलब हुआ 4। क्या हुआ? 4। अब अगर कहीं ऐसे भिन्न दी है, ज़रा इधर देखना, अगर 3/1/2 दी है तब क्या करोगे, क्या करोगे पता है? आप जो ऊपर नंबर दिया है 3, उसको ऐसे लिख लोगे, गुणा का चिन्ह लगा के भिन्न को पलट दोगे। ये 1/2 को 2/1 कर दिया। बात समझ में आई ना? आई ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी वैसे करोगे, 1 लिख लो ऐसे, इसको पलट दो, 1/4 को ये हो जाएगा 4/1, और इंटू क्या आ जाएगा, 4। 4 का 4 में मल्टीपल कर लो, 16 आ गया, और दिस इज द राइट आंसर हो गया। अगला लिखो जल्दी से, तुरंत स्क्रीनशॉट करिए तुरंत। देखो स्क्रीनशॉट लेना, जिनको नहीं आता है वो दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, हम उनको एक एक बात बताएंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें यहाँ पर सिखाते हैं। और हाँ, PVR स्टडी की 0 लेवल मैथ अवश्य देखना, PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर और PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर, और मैथ आसान है, 3 चैनल हैं आपके। अभी यार क्वेश्चन बचे हुए हैं बाबू, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट। 2/3 क्वेश्चन नोट करो, 2/3 इसका है पावर 2 इंटू 4/9 इसका पावर जो है वो भी 2 है, और 2/3 इसका पावर -4 है। क्या कह रहा है? कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के पहले आपके पास बहुत आसान तरीका है, देखो 1 आएगा 0 आएगा जो भी आएगा। ये 2/3 तो ऐसे लिख लो, बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट सा। और देखो जो 4/9 है ना, इसे आप एक काम कर सकते हो, इसे 2/3 का होल स्क्वायर कर सकते हो, और ऊपर से जो स्क्वायर लगा उसको भी लगा लो। इतनी बात समझ में आई? बात बन रही ना? बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, ये जो 3 है ना, इधर देखना, अच्छा रहने दो ऐसे ही, ये 2/3 इसकी घात क्या है, -4। अब यहाँ जरा आप गौर करो तो सभी के जो हर हैं वो मतलब बेस बराबर हो चुके हैं, केवल घाते घाते लगी हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बदलेगा, वो क्या बदलेगा, ये 2/3 है ना, ये घात घात का पहले गुणा कर लो, लफड़ा सारा ख़त्म हो जाए जो अजीब सा लग रहा है। ये हो गया, आप जानते हो जब बेस बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये देखो ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना। हाँ ओके राइट, ठीक है 4 हो गया। तो आगे करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ कहीं माइनस भी है, 4 जो है माइनस में है ना, ये 4 क्या है, माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ेगा 6 हो जाएगा, उसकी घात जो है माइनस में घट जाएगी, फाइनल में क्या आएगा, चलिए हम आपको करके दिखाई देते हैं, काहे को टेंशन लेंगे। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, 2/3 ऐसे लिखोगे, और ये 2 हो जाएगा प्लस, ये 4 हो जाएगा प्लस, ये -4 हो जाएगा। बात क्लियर? ये प्लस माइनस घट के माइनस हो जाएगा, और ये प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, इसकी घात हो गया 6 और -4, इक्वल क्या हुआ, 2/3 का घात क्या हो गया, 2। बात समझ में आई ना? इसको 2 घात का मतलब क्या हो गया, 4/9, ये आंसर आ गया आपका, नोट कर लो जल्दी से, हो गया, ये भी हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन हम आपके सामने जो लेके चलते हैं उसको देखना ध्यान से। ये क्या कह रहा है, ये 0 वाला है, और इसमें बड़ा लफड़ा है यार, थोड़ा सा है लफड़ा, ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो साथियों ध्यान से, देखो ये घात 0 है, 1 है 2 है, और ये डिवाइड है, तो फाइनल में आप क्या करोगे, घात 0 वाला जो है उसका मान आप जानते हो 1 होता है किसी भी नंबर का, इसका मान 1 हो गया। 3/5 की घात 1 मतलब 3/5, इसकी घात 2 का मतलब हुआ 9/25, इतना क्लियर। डिवाइड बाई 7/5 का स्क्वायर, 25 5 कैल्शियम ले लो क्या आएगा पता है आपको, 25 और 5 कैल्शियम लोगे तो 25 आएगा। बात समझ में आई?
25 आएगा ना, और 25 आएगा अगर इसके नीचे हम एक छिपा लें, आप लोग ऐसे जल्दी से कर लो तो क्या आएगा, एक में 25 से भाग करोगे 25 आएगा, 25 का एक में गुणा करोगे 25 हो जाएगा, प्लस 25 में पाँच, इस 5 से भाग करोगे 5 आएगा, और 5 का 3 में गुणा करोगे 15 हो जाएगा, धन 25 का 25 में करोगे 1 आएगा, 1 का 9 में करोगे तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह से ये 7/5 का होल स्क्वायर, फाइनल में इसको जोड़ोगे 40 हो जाएगा, 9 49 हो जाएगा, 49/25 हो जाएगा, भाग का चिन्ह हटा के गुणा लगाओगे ये पलट जाएगा, और 5/7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 49/25 गुणा ये हो गया 25/49, ये देखो कट गया ना, क्या आ गया, 1 आ गया। नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो तुरंत, बहुत तेज फटाफट हो गया। ओके डन। देखिए वीडियो को पीछे कर लीजिए, जिनका छूट जाता है टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लिया करिए, जैसे क्वेश्चन पूरा हो वैसे पहले तो स्क्रीन पर टच करके रोक लें वीडियो को, तुरंत पुश करें वीडियो को, पॉज करें जिसे बोलते हैं, है ना। 7/9 / 14/3 क्वेश्चन है, 7/9 ² / 14/3 होल स्क्वायर को स्वयं करो। अब इसको खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा इसको, इसको घर से करके लेके आना, घर से करना चाहे दोबारे से करना चाहे जैसे करना। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, 8^5 - 8^5, ये क्या आएगा मालूम है, 8^0 आएगा, और किसी भी संख्या की 0 घात का मान 1 होता है। नंबर 6, 7वां सवाल है, 7वां कह रहा है 9^3 / 27। तो चलो बहुत आसान है ये, 9^3 / क्या हो जाएगा, 27 है, तो 27 को आप एक काम कर सकते हो, इसको 3^3 बना सकते हो, ठीक। अब ये 9 को आप लिख सकते हो 3^2, लिख सकते हो ना, और बाहर जो 3 था वो 3 रहने दो, ये 3^3 क्या हो गया, 3 हो गया। इतना बात समझ में आ रही ना। अब एक काम आप कर सकते हो, वो क्या है, वो ये है कि इसको आप फाइनल में अगर कर दो तो 2 3 6 हो जाएगा, 3^6, और डिवाइड का चिन्ह हट के गुणा का लग जाएगा तो ये पलट जाएगा, पलट जाएगा मतलब 1/3 आ गया सकुशल, ठीक। अब ये कुल मिला करके 3^6 / 3^3 बना, चाहो तो आप 3 से काट दो, फिलहाल ऊपर क्या आएगा, 3^2 आएगा, नीचे ख़त्म हो जाएगा, काट भी सकते हो 3^3, देखो ये 3 से 6 काट दो तो 3^2 आएगा, बराबर क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आ रहा है ना, 9 ना आएगा, गलत है ये, गलत है, गलत है। देखो एक मिनट देखना, 3 × 2 = 6, एक तरीका गलत है जो काटा गया, कैसे देखो इसको हम विस्तार से आपको बता देते हैं, ये तो फिलहाल हमने ऐसे बता दिया आपको मूड में, चूंकि बहुत टाइम हो रहा है आज, टेंशन मत लेना, लेकिन कुछ भी आपको मिस्टेक नहीं होने पाएगी। देखो ये 3^6 बन गया, डिवाइड बाई 3^3 बन गया, ठीक है, इसका भाग का मतलब हुआ कि 3^6 / 3^3, इसका मतलब ये हुआ जो वहाँ पे लिखा हूँ, 3^6 मतलब 3 से कितना बार, 6 बार गुणा, कितनी बार, 6 बार, और 3^3 का मतलब ये 3 बार, 3 0 3 3 काट दो नीचे से, 3 3 ऊपर से भी काट दो, कितना बचा, 3^3 ना, 3 3 9 3 27, बात समझ में आई, कितना है, 27 आ गया। लिख लो जल्दी से, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट करो, तुरंत हो गया। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, 6/3 / 18, क्या है, 6/3 / 18, देखो क्वेश्चन नहीं नोट करोगे तो मज़ा ना आएगा, याद रखना, ये होमवर्क वगैरह कर लेना घर से, कोशिश किया करो आप लोग भी, कुछ ये मत सोचा करो कि हम जो जो बताएंगे वही आप छाप लोगे। 6/3 / 18, देखो 6/3 वैसे रहेगा, डिवाइड का चिन्ह हट के गुणा का चिन्ह लगता है और ये पलट जाता है, तो 1/18 होगा, 6 से काट दो, 6 3 18, और 1/9 आएगा, ये फाइनल में आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो साथियों आज की ये क्लास जो है यहीं तक, ये नंबर नोट कर लें, जो लोग DLED 3rd सेमेस्टर, 1st, 2nd, 4th कोई भी सेमेस्टर का पूरा मैथ पाना चाहते हैं
अभी आज की डेट में ये क्लास मात्र 549 में उपलब्ध है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अवश्य कर लें। ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, फ़ोनपे का भी नंबर है, गूगल पे का भी नंबर है, यही नंबर है सब, ठीक ना। तो अगर कोई और भी सवाल है तो जल्दी से बोल दो, क्योंकि हम आप लोगों के कमेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं। जल्दी बोलिए, फट से आगे चलें। हो गया ना, ये प्रचार वाली बात पूरा हो गई। चलिए, आप लोग PBR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य फॉलो करना, जिससे आप फ्री वाली सारी क्लास देख सको। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ। शुक्रिया।